अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रूह से। लास्ट वाले जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास जो अब वाला हमारा स्क्रिप्ट है उसमें हम देखेंगे कि डेटाबेस को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सो इसके लिए जस्ट हमने एक कनेक्शन की जो फाइल है जिसमें मैंने यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका सर्वर जो है डिफाइन किया हुआ, उसके जो कनेक्शन की जो फाइल है उसको मैंने रिक्वायर फंक्शन के थ्रू ऐड करवा दी है। और इसमें मैंने जस्ट मैंने एक फंक्शन कॉल किया है माई एस क्यू एल आई सेलेक्ट डी पी। इसमें कनेक्शन जो हमारे पास कनेक्ट फाइल में वेरिएबल है कनेक्शन का, इसको कॉल की है। और दूसरा जो मेरे पास माई डी बी जो डेटाबेस नेम है वो बताया, यानी कि कनेक्शन बताया है जो फाइल को कनेक्ट करेगा, और जो दूसरा है मेरे पास डेटाबेस नेम है। तो ये मेरे पास जो होगा माई एस क्यू एल आई सेलेक्ट डी बी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद हम कनेक्शन क्लोज कर देंगे। स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो मेरे पास जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली जो है वो सिलेक्ट हो गई है। सो इस तरह हम अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमने अपनी डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए जैसे जो मेरे पास कनेक्शन वाला कोड है वो सेम है जो प्रीवियस लेक्चर्स में है, एज इट इज़ है। तो इसमें हम क्यूरी लिखेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। तो क्यूरी क्या है, क्यूरी का जो रिज़ल्ट है वो हमने एक एस क्यू एल वेरिएबल जो है पी एच पी का उसमें स्टोर करवाया। तो क्यूरी हमारे पास है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट करना है और उसमें मैंने आई डी उसकी दे दी है इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट है वो प्राइमरी की है, कि वो प्राइमरी की जो है इस टेबल में एम्प्लॉय की जो है वो आई डी है, और ये ऑटो इंक्रीज होगी वन बाय वन करके, खुद ही वैल्यूज की इंक्रीज होती जाएगी। प्राइमरी की इसको हमने रखा है कि यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्स्ट नेम जो इसके मैंने रखी है उसकी डेटा टाइप मैंने वेरिएबल करेक्टर रख दी, और उसकी लेंथ 30 रख दी और नॉट नल है। लास्ट नेम जो है वो भी मेरे पास वेरिएबल करेक्टर वारचार है, और इसकी लेंथ 30 है और जो वैल्यू है नॉट नल है। ईमेल जो है इसको मैंने वेरिएबल करेक्टर रख दिया और उसकी मैंने लेंथ 50 कर दी। और आईडी इंटीजर का मतलब है कि इसमें हम इंटीजर सिर्फ पास करते हैं, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में आईडी दे सकते हैं। तो इस क्यूरी को हमने यहाँ पर क्लोज किया इन्वर्टेड कॉमास के साथ, और बाद में सेमी कॉलम के साथ इस क्यूरी को हमने जो है वो एंड कर दिया। अब यहाँ पर है एक फंक्शन हमने कॉल किया माई एस क्यू एल आई क्यूरी, यानी कि अगर ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न देगा, रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। इसमें हमने कनेक्शन वेरिएबल जो था वो पास किया, जो कनेक्शन फाइल कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। और दूसरा मैंने इसके लिए जो पास किया वो है जो क्रिएट टेबल किया है उसको मैंने एस क्यू एल वेरिएबल में स्टोर किया था, और इस क्यूरी को मैंने यहाँ पर पास किया। इधर तो ये मेरे पास ट्रू आता है तो टेबल एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स आ जाती है तो फिर मेरे पास आएगा एरर क्रिएटिंग टेबल माई एस क्यू एल आई, और एरर जो होगा वो जनरेट होगा और कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। सो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास शो हो गया है टेबल एम्प्लॉयज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक करते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन, माई डी बी जो था मेरा डेटाबेस थी, और उसमें मैंने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लिया। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें एम्प्लॉय के टेबल का, तो मेरे पास आईडी जो है वो प्राइमरी की आ गई है, ऑटो इंक्रीमेंट जो मैंने वहाँ पर बताई थी उसकी मैंने टाइप बता दी थी इंटीजर 6, फर्स्ट नेम वेरिएबल करेक्टर और उसकी लेंथ 30 थी, लास्ट नेम वेरिएबल करेक्टर लेंथ 30 थी, ईमेल वेरिएबल करेक्टर और उसकी लेंथ 50 थी। सो ये मेरे पास जो एम्प्लॉय का टेबल है ये क्रिएट हो गया है।